इस वक्त आपको बता रहे हैं श्री गंगानगर से बड़ी जानकारी, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का पूरा मामला, बड़ी जानकारी, पड़ोसी युवक ने घटना को अंजाम दिया। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। बड़ी जानकारी अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, अब पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का पूरा मामला, तो पड़ोसी युवक ने घटना को अंजाम दिया और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। तो पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। तो पड़ोसी युवक ने घटना को अंजाम दिया था, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी जानकारी, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया, बड़ी जानकारी, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का पूरा मामला और पड़ोसी युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बंटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंटी, क्या कुछ पूरी जानकारी है पूरे मामले को लेकर? गमुडवाली थाना क्षेत्र का मामला है, गमुडवाली थाना क्षेत्र के 39 एलएनपी का मामला है जहां पर ये एक युवक द्वारा पड़ोस में ही रहने वाले नाबालिग बच्चे के साथ कुक्रम का मामला है जो वो देखने को आया है। उसके बाद पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए आरोपी युवक है उसको गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। जी बिल्कुल बंटी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्री गंगानगर से बड़ी खबर, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का पूरा मामला, पड़ोसी युवक ने घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज भी कर लिया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है।